Hello everyone. So in the last video we saw questions related to slope and angle between two intersecting lines. In this video we are going to start some new questions related to that. So without wasting our time, let's move forward. How are you all? I hope you guys are doing great. I am Aniket and welcome back to our YouTube channel Learnomatics. So guys, आज के first question की तरफ बढ़ते हैं. Find the slope of the line. हमें क्या find करना है? Slope find करना है, ठीक है? Which makes angle of 45 degree. मतलब वो angle कितना बना रहा है? 45 degree. अब लेकिन आगे पढ़ोगे तो twist आ जाएगा. ये angle change हो जाएगा. कैसे होगा देखना? With the positive direction of y-axis. मतलब ये जो angle 45 है, वो कौन से direction? अपना जो theta होता है, वो x direction से होता है. लेकिन ये किसका दिया है? Y का दिया हुआ है, ठीक है? मतलब कैसा है? अगर मैं एक y-axis draw करूँ और एक पॉइंट कंसीडर करूं यहां पे मैं, तो वो क्या बोल रहा है कि अगर मैं वाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जाऊं तो 45 डिग्री बन रहा है. मतलब यहां से मैं इस तरह से जाऊंगा तो यहां पर 45 डिग्री बनेगा इस तरह से, ठीक है? ये 45 डिग्री बनेगा. तो अब मुझे क्या फाइंड करना है? स्लोप फाइंड करना है. स्लोप के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या? टेन थीटा. थीटा मेरे पास क्या होना चाहिए? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्टिव में आना चाहिए, पर ये दिया है वाई एक्सिस के रिस्पेक्टिव में. तो अगर मैं एक्स एक्सिस यहां पर ड्रॉ करता हूं तो मेरा जो थीटा होगा वो ये होगा, ठीक है? मतलब मुझे ये थीटा पहले फाइंड करना पड़ेगा. ये थीटा भी मुझे दिया हुआ नहीं है. अब वो थीटा कैसे मैं फाइंड करूंगा? ये 45 डिग्री है. अगर सपोज मैं यहां से 90 डिग्री का मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये अल्टरनेट एंगल से ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे. मतलब ये 45 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री है पहले से ही. तो 90 प्लस 45 मेरा थीटा हो गया. मतलब थीटा क्या हुआ? 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री मेरा ये थीटा हो गया, ठीक है? इतना आपको समझ में आया कि मेरा ये एंगल एक्स एक्सिस से कितना है? इतना है. अब मुझे फाइंड करना है स्लोप. अब मेरा स्लोप किस तरह से फाइंड होगा देखना. अब मैं इसको आगे सॉल्व क्यों नहीं कर रहा उसका भी रीजन है, अभी पता चलेगा आपको. स्लोप क्या है? टेन थीटा है मेरा. टेन 90 प्लस 45. मैंने इसको 90 प्लस 45 ही क्यों रखा? प्लस करता तो 135 हो जाता. टेन 135 हमें पता नहीं है, उसके लिए हमें फिर से कन्वर्जन करना पड़ता कुछ, ठीक है? अब ये 90 मतलब क्या होता है? पाई बाय 2 होता है. जो अलाइड एंगल्स की बात करने वाले हम यहां पर, उसमें हम क्या देखते हैं? ये नीचे 2 है कि नहीं है. अभी यहां पर नीचे 2 है मतलब क्या होता है? टेन का कॉट हो जाता है. तो मैं ये लिखता हूं कॉट हो जाएगा ये कॉट, और जो एंगल है वो एंगल एज इट इज यहां पर आ जाएगा. अब हमें चेक करना है ये जो एंगल आ रहा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. पॉजिटिव है नेगेटिव कैसे चेक करेंगे? कहां पे जा रहा है? 90 प्लस थीटा हो रहा है. थीटा मतलब कुछ एंगल आगे आ रहा है. तो ये 90 है यहां तक, उसके आगे कुछ जाएगा तो ये क्वाड्रेंट में फॉल करेगा. ये क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है क्या? साइन आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब यहां पे सब After school to college. यहाँ पे 10 क्या होता है? Negative होता है. देखो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10 positive होगा, ये दोनों हो गया और ये दोनों पे negative होगा. तो यहाँ पे क्या हो गया? Negative हो गया. इसलिए हमें यहाँ पर negative sign डालना पड़ेगा, ठीक है? अब cot 45 कितना होता है? 1 होता है. तो minus 1 आपका स्लोप आ गया इसका, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच. मतलब हमें क्या फाइंड करना है? के का वैल्यू फाइंड करना है. किसके लिए फाइंड करना है? ये पॉइंट्स दिए हुए वो क्या है? कोलिनियर है. अब कोलिनियर मतलब क्या होता है? कि एक लाइन में है तीनों, ठीक है? कोलिनियर मतलब लीनियर, मतलब एक लाइन में वो लोग, ठीक है? मतलब ये P, Q और R ये तीनों एक ही लाइन में, ठीक है? तो मैं क्या करता हूं? लेट मैं P को क्या कर लेता हूं? X1 Y1 Q X2 Y2 और मेरा जो R है वो क्या हो जाएगा? X3, Y3. ये ले लिया मैंने. अब ये बोला है कोलिनियर है. कोलिनियर मतलब क्या होगा? सब एक ही लाइन में. मतलब ये अगर मैं कुछ भी कंसीडर करूं, PR करूं, PQ या QR, उसका स्लोप हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा. क्यों? अगर मैं कंसीडर करूं सेम ही है ना वो, तो लाइन का स्लोप तो सेम ही रहने वाला है कोई भी पॉइंट के लिए मैं कंसीडर करूं, ठीक है? तो मैं ये दोनों ले रहा हूं सिर्फ ये. मतलब क्या? स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन QR. तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? ये मेरा क्या है? y2 है. तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. और qr का क्या हो जाएगा? y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2. अब मैं इसमें पुट करूंगा y2 क्या? 1 माइनस माइनस 1 अपॉन 2 माइनस k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2. तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब क्या हो गया? 2 2 अपॉन 2 माइनस k हो गया. ये क्या हो गया? 4 अपॉन 2 विच इज 2 बाय 1. मतलब क्या हो गया बेसिकली? अगर मैं इसको रब करके लिख दूं तो 2 हो गया ये, ठीक है? अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस के. मतलब क्या होगा? 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू के 2 के, ठीक है? अब मैं 2 के को यहां पर लेता हूं और 2 को वहां पर भेजता हूं तो क्या हो जाएगा? 2 के इक्वल टू 4 माइनस 2. मतलब ये 4 माइनस 2 कितना हुआ? 2. 2 के इज इक्वल टू 2. मतलब के का वैल्यू क्या हो गया? 2 के इज इक्वल टू 2. मतलब
के इज इक्वल टू वन, यही हमें फाइंड करना था। लास्ट में स्टेटमेंट लिखना भूलना मत, ठीक है। सो गाइस बढ़ते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्यूट एंगल। एक्यूट को ध्यान देना, एक्यूट को अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्यूट एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस, मतलब मेरा एक एक्स एक्सिस है और एक लाइन ज्वाइन हो रहा होगा, तो उसके बीच में, मतलब अगर सपोज ऐसे जा रहा है वो एक्स एक्सिस और ये लाइन है, तो ये मुझे थीटा फाइंड करना है, ठीक है। अब ये दो एंगल्स, ये दो पॉइंट्स दिया है मुझे, मतलब ये पॉइंट इसका होगा लाइन का, तो उससे मुझे क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। क्यों निकाल रहा हूं मैं स्लोप, क्योंकि थीटा के फॉर्म में भी मेरे पास एक स्लोप का फॉर्मूला है। तो मेरा स्लोप क्या हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। वाई टू माइनस वाई वन मतलब माइनस टू माइनस माइनस वन अपॉन एक्स टू माइनस वन मतलब फोर माइनस थ्री। अब इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन क्या हुआ, माइनस वन, और अपॉन में फोर माइनस थ्री वन, तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। मेरा एम क्या आ गया, माइनस वन आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, टीटा चाहिए। टीटा के लिए मुझे पता है एम क्या होता है, मेरा टेन टीटा होता है, तो मैं यहाँ पे एम की जगह लिख रहा हूँ टेन टीटा इज इक्वल टू माइनस वन। अब मैं देखूंगा तो टेन टीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस टेन फोर्टी फाइव, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस टेन फोर्टी फाइव। और मैंने क्या बोला था, कभी भी ट्राई करने का कि एंगल हमारा माइनस में ना आए, अगर ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस फोर्टी फाइव जाएगा ना, तो मतलब मेरा टीटा माइनस फोर्टी फाइव डिग्री हो जाएगा। वो क्या बोलता था हमेशा कि ट्राई करो कि हमारा एंगल उस तरह से ना आए। तो अब हमें क्या करना है, अब बोला है एक्यूट एंगल, ठीक है। अब ये ध्यान देना और यहां पर देखना, अभी ये मेरा क्या है, क्वाड्रेंट है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सेकंड में, और सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव होता है टेन, और इसमें नेगेटिव होता है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव भी चाहिए, तो नेगेटिव कहां पे होता है, यहां पर और यहां पर। तो अगर आप एंगल भी ड्रॉ करोगे तो 90 के ज्यादा जा रहा है यहां पर भी, और 90 के ज्यादा यहां पर भी आ रहा है, तो आप ये अप्रोच फॉलो नहीं कर सकते। तो क्या करना है, हमें क्या करना है, यहां पर ही यहां पर मॉड लगा देना है, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये माइनस वन का क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वन हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर ये माइनस हट जाएगा, तो मेरा टीटा क्या आ जाएगा, यहां से 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ पॉइंट्स ये दिया हुआ है, जो भी वो क्या हो रहा है, एक लाई ऑन अ लाइन, मतलब एक लाइन पे लाई कर रहा है। अगर मैं सपोज एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये लाइन पे वो तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, शो दैट ये इक्वल टू ये है, ठीक है। कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आता है ना, तो क्या करने का ना, इसको ही पहले सॉल्व करने की कोशिश करने का दिमाग में। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ए के प्लस बी एच अपॉन एच के इज इक्वल टू वन। अब इसको उधर भेजूंगा तो ए के प्लस बी एच इज इक्वल टू एच के, मतलब मुझे कुछ इस तरह से लाना है इससे, ठीक है, कुछ इस तरह से लाऊंगा तो ये अपने आप बन जाएगा इस तरह से। तो मैं वही ट्राई करने वाला हूं यहां पर। यहां पर क्या बोला है, लाइन एक ही लाइन में कोलिनियर है, मतलब क्या होगा, स्लोप सेम होगा, किसका, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी हो गया। मतलब मैंने क्या कर लिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है, मैंने ए बी इक्वल टू बी सी कर लिया, ठीक है, मेरा स्लोप। अब ए बी क्या, ये है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब क्या हुआ, के माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस एच, और ये क्या होगा, स्लोप ऑफ बी सी, मतलब वाई थ्री माइनस वाई टू, मतलब क्या हुआ, बी माइनस के अपॉन ए माइनस जीरो, जीरो जीरो जो भी जितना भी कैंसिल करते हैं हम लोग, क्या बचेगा यहां पर, K अपॉन माइनस एच, मतलब माइनस ऊपर ले लेता हूं मैं, इजी पड़ता है, इज इक्वल टू बी माइनस के अपॉन ए। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्या होगा, माइनस ए के इज इक्वल टू, ये एच वहां पे जाएगा, क्या हो जाएगा, बी एच माइनस एच के। मैं सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है, ये एच यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, बी एच माइनस एच के। अब मुझे कैसे चाहिए, इस तरह से चाहिए, चाहिए कि ए के और बी एच एक साथ चाहिए, ए के और बी एच एक साथ चाहिए, तो मैं इक्वल टू के उस साइड भेज दूंगा ये माइनस वाले को, और इसको यहां पर ले लूंगा, तो मेरा एच के क्या हो जाएगा, बी एच प्लस ए के हो गया मेरा, बी एच प्लस ए के, सेम प्रोसेस। अब मैं नीचे ले लूंगा ये एच के को, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, मैं पहले अच्छे से लिख लेता हूं, ए के प्लस बी एच, ये वाला चीज इज इक्वल टू वन होगा, कब वन होगा, जब मेरा ये नीचे आ जाएगा एच के, समझ में आया, ये एच के मैंने नीचे भेज दिया, ठीक है। अब मैं इसको फिर से डिवाइड कर दूंगा, जैसे वहां पर कर रहे थे हम, डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा, ये ए के अपॉन एच के प्लस बी एच अपॉन एच के इक्वल टू वन, यहां पर के कैंसिल, यहां पर एच एच कैंसिल, क्या बचा, ए बाय एच प्लस बी बाय के इक्वल टू वन, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, समझ में आया। सो गाइस लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज, मतलब क्या है, दो लाइन के बीच में एंगल क्या है, 45 डिग्री है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, मतलब अब ये किस तरह का क्वेश्चन हो गया, जो हमने देखा था कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा था तो वहां पे थीटा एंगल फॉर्म कर रहा था, ठीक है, उस तरह का क्वेश्चन हो गया। आपके बुक में इस तरह का क्वेश्चन नहीं है एक्सरसाइज में, इसलिए मैंने सोचा आपको एक एक्सप्लिसिटली एक क्वेश्चन बता दिया जाए, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। मुझे वो फाइंड करना है, तो मुझे वो वाला थीटा दिया है 45, ये याद रखना, ये ना स्लोप वाला थीटा नहीं है, ठीक है, ये अलग थीटा है, ठीक है। तो द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज, या तो एक काम करो, इसको थीटा मतलब आप इसको ना ये ले लो,
अल्फा ले लो, तो थोड़ा कंफ्यूजन चला जाएगा, ठीक है, वो थीटा को अल्फा ले लेते हैं हम, ठीक है। अब क्या बोला है, द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज, मतलब एक लाइन का स्लोप मुझे क्या दिया हुआ है, 1/2, और मुझे क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ अदर लाइन, मतलब एम टू मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। अब आपको पता है कि इस तरह का जो होता है उसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था पिछले वीडियो में, वो क्या होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू मॉड में एम वन माइनस एम टू अपॉन 1+M1M2, ये होता है, ठीक है। तो अब बस जो चीजें दी हुई है ना हमें वही पुट करनी है, बाकी कुछ नहीं है। ये टीटा की जगह क्या हो जाएगा यहां पर, अल्फा हो जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो ये टेन अल्फा क्या हो गया, 10 45 मतलब 1 हो गया, 1 लिख दिया मैंने, मॉड में m1 क्या है 1/2 है, माइनस m2 मुझे नहीं पता है, अपॉन 1+M1 क्या है 1/2 है, m2 मुझे नहीं पता है। आगे बढ़ते, अब यहां पर क्या होगा देखना, 1-2m2 हो जाएगा, ये 1 = 1-2m2 अपॉन नीचे क्या है 2 है, और ये पूरा जो अपॉन है वो अलग है, ये वाला अपॉन अलग है, ये वाला जो, अब यहां पे क्या होगा, 2 × 2+1, मतलब 2+1 की जगह क्या होगा 1 × m2, मतलब क्या होगा, ये m2 हो गया, अपॉन नीचे का भी 2, उस तरह से रहेगा, ठीक है। अब यहां पर देखोगे तो आपका 2 कैंसिल हो गया, और यहां पर क्या बचेगा, 1 = mod(1 − 2m2)/2+m2। अब यहां पर जब मॉड हटाते हो ना आप, तो आपका वैल्यू क्या हो जाता है, प्लस और माइनस में जाता है, किसमें जाता है, प्लस और माइनस, दो वैल्यू आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 = 1 − 2m2/2+m2, और एक दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 1 − 1 − 2m2/2+m2, ठीक है। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2+m2 = 1 − 2m2, तो ये क्या, m2 यहां पर ले लेता हूं मैं, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2m2+m2 = 3m2 हो गया, और ये 1 यहां पे क्या, तो -2, ये m2 = -1/3 आ गया, एक ये वैल्यू आ गया आपका, या तो दूसरा और में क्या आ रहा है अपना, ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो 1 = -1, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, 2m2 हो गया अपॉन 2+m2, इसको इक्वल टू की साइड भेज दूंगा तो क्या जाएगा, 2+m2 = -1+2m2। अब ये m2 को मैं वहां पर भेज दूंगा, और इसको यहां पर भेज दूंगा, तो क्या जाएगा, 2+1 = 2m2 − m2, यहां पर बचा m2 = 2+1 = 3। तो आपके पास दो वैल्यूज आए हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उस कंडीशन को दो स्लोप सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए आपका आंसर 2 आया, मतलब 2 लाइंस ऐसे हैं जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं या तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ, क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है, जस्ट आपको दो स्लोप दिया होगा, ये दो स्लोप आपको बोलेगा कि एंगल फाइंड करने के लिए इंटरसेक्टिंग का, तो बस आपको बस जस्ट पुट करना है, आपको वैल्यू आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं, ओके। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।